यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यर्मयाह के पास पहुंचा कि बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकियाह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने अपने स्वामी से यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैंने उन्हें दिया है। अब मैं ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे, और ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का शुभ दिन न आए, और बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दू। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोनों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगा उसको मैं उसी देश में रहने दूंगा और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिया से भी मैंने ऐसी बात कही कि अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसके और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्यों मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राजा के अधीन हो जाना न पड़ेगा उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएंगे। फिर याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं, उनके मत सुनो। बाबुल के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? और यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करें कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं वह बाबुल न जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां और पात्र इस नगर में रह गए हैं जिन्हें बाबुल का राजा नबूखदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकिम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को
बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था, जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि वे भी बाबुल में पहुंच जाएंगे और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है।